So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले वीडियो में हमने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात कर ली, कैसे बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने शुजाउद्दौला हो गए, शाह आलम टू हो गए, मीर कासिम हो गए, इन तीनों को एक साथ हराया था बैटल ऑफ बक्सर में. अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद भी कहा जाता है. तो इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. अब बेसिकली ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको यहाँ पे नवाब शाह आलम टू दिख रहे हैं, मतलब मुगल एम्पायर शाह आलम टू हैं, और यहाँ पे ये आपको रॉबर्ट क्लाइव दिख रहे हैं, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ही होंगे. वैसे तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये रॉबर्ट क्लाइव ही होंगे. तो ये इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन करी गई. तो अब आते हैं, देखते हैं इसके बारे में, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बारे में पढ़ते हैं. अब जब बैटल ऑफ बक्सर में ये जीत जाते हैं तो अब हुआ क्या कि ये मुगल एम्पायर को हराए हैं, क्योंकि मुगल एम्पायर भी मीर कासिम के साथ ही लड़ रही थी. तो मुगल एम्पायर को हराना यानी आप पूरे नॉर्थ इंडिया पे अब इनका कंट्रोल होगा. बट ये करते क्या है कि नवाब को बोलते हैं, यानी शाह आलम टू को बोलते हैं कि हम आपको यहाँ से हटाएंगे नहीं, ठीक है आप ही राज कीजिए, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, बस आप वो मांगे पूरी करिए. तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया जाता है. रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो एक ट्रीटी साइन करते हैं शाह आलम टू के साथ, मुगल एम्पायर शाह आलम टू के साथ, और नवाब ऑफ अवध यानी शुजाउद्दौला जो थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन करी जाती है. तो अगस्त 1765 में, यानी अगस्त 1765, जैसे 1764 में तो बैटल ऑफ बक्सर हुई, अब अगस्त 1765 में अलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, किनके किनके साथ, नवाब ऑफ अवध यानी शुजाउद्दौला के साथ और मुगल एम्पायर शाह आलम टू के साथ. अब शुजाउद्दौला के साथ क्या क्या ट्रीटी में बात की गई, तो शुजाउद्दौला के साथ जो ट्रीटी हुई उसके बारे में देखते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. पहला तो था कि इन्हें यानी शुजाउद्दौला जो थे उन्हें अलाहाबाद और कारा को शाह आलम टू को सरेंडर कर देना था, कि आप मतलब अलाहाबाद और कारा को शाह आलम टू को दे दीजिए, शाह आलम टू अब वहां पे राज करेंगे, आप उन्हें सरेंडर कर दीजिए. दूसरी बात कि इन्हें 50 लाख रुपया पे करना था वॉर इंडेमिनिटी के तौर पे, यानी वॉर में जो हमारी खर्च हुई है, वॉर में जो हमारी जो भी खर्च हुई है या फिर जो भी हमने चीजें बर्बाद करी है उसके इंडेमिनिटी के तौर पे आपको 50 लाख रुपया हमें प्रोवाइड करना होगा. तो ये भी नवाब शुजाउद्दौला से ट्रीटी में बात की गई इसकी भी. थर्ड था कि बलवंत सिंह जो कि एक ब्रिटिशर्स के मतलब खास आदमी थे, तो इन्होंने कहा कि बलवंत सिंह को बनारस की जमींदारी सौंप दी जाए, मतलब जमींदार ऑफ बनारस इन्हें सौंप दी जाए विथ फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट, यानी इनके स्टेट का जो भी फुल पोजीशन था वो इन्हें मतलब एक तरह से बनारस जो भी है इन्हें सौंप दिया जाए अब बलवंत सिंह को. तो ये तीन ट्रीटी मतलब तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स इनसे हो गई. अब शाह आलम टू से क्या क्या बात हुई. शाह आलम टू को कहा गया कि ठीक है आप, ये शाह आलम टू आपको दिख रहे हैं, तो शाह आलम टू से कहा गया कि आप ठीक है आप ही राज करो इंडिया पे, हम राज नहीं करने आए हैं. मतलब ये ब्रिटिशर्स यानी रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज्यादा क्लेवर इंसान था, मतलब बहुत ज्यादा चालाक था. उसे पता था कि अगर हम यहाँ पे राज करने आए तो हम कर नहीं सकते हैं. तो बेसिकली अब हमें करना क्या है कि हम तो ट्रेड के पर्पज से आए हैं तो हम ट्रेड में ही सीमित रहे तो वो ज्यादा सही, बट हाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो हमारा होगा ही, क्योंकि तभी हम अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हैं. तो इसलिए इन्होंने शाह आलम टू से कहा कि आप मतलब नवाब ही रहो, और इन्हें ट्रीटी में बोला गया कि आप अलाहाबाद आपको सौंप दिया जा रहा है, जैसा कि शुजाउद्दौला से बात की गई, तो अलाहाबाद आपको सौंप दिया जा रहा है और आपको कंपनी के प्रोटेक्शन में ही रहना है, मतलब कंपनी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, बस आप केवल हमें जो भी है वो फरमान जारी करो, हमारे लिए कुछ कुछ फरमान जारी करो, तो आपको केवल राज करना है एक तरह से. अब फरमान में क्या क्या था कि आप एक फरमान जारी करो जिसमें बंगाल की, बिहार की और ओडिशा की दीवानी हमें दे दी जाए. दीवानी बेसिकली टैक्स कलेक्शन वाला होता है. तो टैक्स कलेक्शन राइट जो होता है उसे दीवानी कहते हैं. तो ये कहते हैं हम, यानी ब्रिटिशर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो कहती है कि बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी हमें दे दी जाए, यानी वहां से हम टैक्स वसूल करेंगे, और बदले में हम आपको एनुअली 26 लाख रुपए पे करेंगे, यानी हम वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे और एनुअली हम आपको 26 लाख रुपए पे करेंगे. तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से खाओ, जो भी करना है मजे करो, मस्ती करो, बट दीवानी हम कलेक्ट करेंगे. तो एक तो ये हो गया. थर्ड जो था कि ये प्रोविजन ऑफ 53 लाख, यानी एक तो दीवानी हो गया, एक दीवानी होता है, दूसरा एक निजामत होता है,
तो दीवानी के अंडर में तो टैक्स कलेक्शन आ गया। अब निजामत के अंडर में होता है मिलिट्री डिफेंस की देखभाल, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की देखभाल। तो ये सब जो देखभाल होती है वो निजामत करती है, मतलब निजामत के हाथ में आता है। तो ये सब जो भी प्रोविंसेस थे यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसके निजामत के लिए आपको हमें 53 लाख रुपए प्रोवाइड करना होगा। मतलब निजामत हम करेंगे, निजामत की देखभाल हम करेंगे, वहां पे जो भी मिलिट्री डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसकी देखभाल हम करेंगे, लेकिन बदले में आपको 53 लाख हमें देना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये इन्होंने बोला कि 26 लाख तो हम आपको दे रहे हैं, बाकी 53 लाख आपको हमें देना होगा। तो इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि शाह आलम टू से एग्री किया गया। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे इनका हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आ ही रहा है। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब इन्होंने वॉर जीती यानी बैटल ऑफ प्लासी भी हमने देखा, या फिर बैटल ऑफ बक्सर भी हमने देखा, तो बैटल ऑफ प्लासी में भी इन्होंने, मतलब इन्होंने तो सिराजुद्दौला को नहीं मारा था, सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो यानी ब्रिटिशर जो थे उन्होंने सिराजुद्दौला को मारा नहीं। फिर जो डच के साथ बैटल ऑफ बिदेरा हुआ था या बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ था, उसमें भी इन्होंने मीर जाफर की हत्या नहीं करी। मीर जाफर जो कि इनके कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया थी, इन्हें हराना चाहते थे, तो उसमें भी इन्होंने मीर जाफर की हत्या नहीं करी। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हमने देखा, तो बैटल ऑफ बक्सर में भी इन्होंने हत्या नहीं करी। अब ये चाहते तो अवध को जीत भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ये ऐसा कर लेते तो इनके पास एक ऑब्लिगेशन हो जाता, यानी ऑब्लिगेटेड हो जाते, यानी एक तरह से इन पे दबाव आ जाता कि हमें ये जो एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर है उसे जब भी अगर कोई अफगान अटैक करे या फिर कोई मराठा इन्वेजन यहाँ पे हो तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन ये जो कंपनी थी वो तो आई थी ट्रेड के पर्पज से, ये तो सेल्फिश लोग थे, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था, बाकी ये सब पॉलिटिकल पावर, मतलब इस पे हम हिंडर करेंगे, यानी हम यहाँ पे ये करेंगे, हिंडर करेंगे, बट हम पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर गेन नहीं करना चाहते हैं। साथ में ये भी हो सकता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो या तो विद्रोह कर दें कि आप कैसे हम पे आके राज कर सकते हो, तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इसको एनेक्स नहीं किया, अवध को एनेक्स नहीं किया, शाह आलम टू को सौंप दिया गया इसलिए। तो ये हो गया कुछ मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब बात आती है मीर कासिम की, कि मीर कासिम जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसके बाद मीर कासिम आखिर गए कहाँ। तो मीर कासिम जो कि डिथ्रोन्ड नवाब यानी उन्हें गद्दी से उतार दिया गया था, बंगाल के गद्दी से उतार दिया गया था, तो उन्होंने बाकी के अपनी पूरी लाइफ माइजरी में बिताई। माइजरी मतलब बहुत भटकते रहे इधर उधर, होमलेस वॉन्डरर की तरह भटकते रहे इधर उधर, और फाइनली जून 1777 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इनका भी अंत जो होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। तो मीर कासिम इस तरह से मर जाते हैं। तो ये था कुछ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बारे में, और यहाँ पे फिर डुअल गवर्नेंस का सीन आ जाता है बंगाल में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।